तो सबसे पहले मैं इस चीज पे जानेंगे कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल आखिर होता क्या है। तो एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बेसिक और एडवांस एक्सेल में डिफरेंट क्या है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 20 लिखा है और यहाँ पे 30, राइट। हमने 20 को कॉपी किया, 30 पे पेस्ट कर दिया, 30 20 से रिप्लेस हो गया। फिर हमने यूज किया पेस्ट स्पेशल, हमने इस बार नॉर्मल कॉपी पेस्ट नहीं किया, इस बार पेस्ट स्पेशल किया। और पेस्ट स्पेशल में यहाँ ऑपरेशंस है, ठीक है, ऑपरेशन में बाय डिफॉल्ट नन होता है। इसके अलावा कुछ और सिलेक्ट कर, जैसे मैंने ऐड सिलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, जहां से कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और जो रिजल्ट है वो यहाँ पे पेस्ट होगा, जैसे कि 50। सो 50 यहाँ पे पेस्ट होगा। इसी तरह से अगर आप पेस्ट स्पेशल में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका है दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा और वो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल में इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो कॉपी और पेस्ट है उसके बीच में जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट पेस्ट कर देगा। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? किसी को डाउट इसमें? बिनु गोपाल जी, आपको डाउट? तो इसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट कह सकते हैं कि आपने जाना कि कौन सा फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। अब कोई जो ट्रेनर है, किसी इंस्टीट्यूट का ट्रेनर है, वो आपको इतना ही चीजें सिखाएगा, ये चीजें सिखाएगा कि फंक्शन हाउ विल परफॉर्म, या उसके नियम कानून के बारे में आपको बता दें। बट प्रॉब्लम इज दैट कि एक प्रोफेशनल आपको बताएगा कि इसका यूटिलाइज अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी क्लास में हैं तो हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जो कि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होगा। तो चलिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम सबसे पहले हम बात जानेंगे परसेंटेज के बारे में। जैसे मुझे अगर A1 पे 10% या 20% लिखना है तो 20 और फिर परसेंट का सिंबल टाइप करके एंटर मारेंगे तो 20% हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 20 टाइप कर दिया फिर बाद में इसको सेलेक्ट करके परसेंटेज का सिंबल पे क्लिक कर दिया या शॉर्टकट प्रेस कर दिया Ctrl+C% तो ये आपको 2000% हो जाएगा। रीजन है कि एक्सेल में 1 इक्वल टू 100% होता है। इसका मतलब है कि बाद में आपको परसेंटेज लगाना है तो आपको डेसिमल में लिखना होगा 2.20। आफ्टर दैट इस पे परसेंट का सिंबल लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यही पे प्रॉब्लम होती है कि हमारे एक कलीग हमें एक डेटा भेजते हैं, वो परसेंट का हेडिंग देते हैं। मैं यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला ऐसे ही रैंडम डेटा बनाने के लिए लगाता हूं, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो उन्होंने मुझे क्या किया कि कुछ नंबर्स भेज दिया। अब उनके हिसाब से 75% बट एक्सेल के हिसाब से नंबर है, मतलब कि मुझे 500 का अगर 75% निकालना तो 75% अगर परसेंट में हुआ तो वी हैव जस्ट मल्टीप्लाई सिंपली रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर ए परसेंट में ना होके नंबर में हुआ तो वी नीड टू मल्टीप्लाई आफ्टर देन डिवाइड। तो मुझे इसमें डिवाइड का मेरा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। अब यही पर प्रॉब्लम है कि मुझे डेटा उनसे ही नहीं, उनके जैसे कई सारे लोगों से आता है, इन डेटा को फिर मैं अपने रिपोर्ट में यूज करता हूं और रिपोर्ट के अंदर मेरा जो कैलकुलेशन है इस वाले फॉर्मूले से है, जस्ट मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से है। बट अब इनको प्रॉब्लम हो गई, अब इनकी डेटा को मैं अब डायरेक्टली अपने अपने रिपोर्ट में नहीं डाल सकता क्योंकि वहां पर फिर मेरा पूरी कैलकुलेशन को हिला देगा। So before the copy paste, we need to convert in the percentage. अब यही पे प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं इसको 75% पे क्लिक कर दिया तो 7500% हो जाएगा।
तो मुझे दो तरीके हैं, मैं एक तो इसको जाके एक एक करके परसेंट का सिंबल डालूंगा, या फिर इसको 0.75 में कन्वर्ट करूंगा मैं 100 से डिवाइड टाइप का, और फिर परसेंटेज डालूंगा। तो इसी चीज में, यही प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे हम यूज करेंगे अपनी इस एग्जाम्पल को, इस ऑप्शन को। हम क्या करेंगे कि एक सेल में 100 टाइप करें, अब इस 100 को उठाएंगे पूरे एरिया में, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम कर देंगे डिवाइड, तो हर नंबर 100 से डिवाइड हो जाएगा। फिर ओके कीजिए, आपके सामने आ गया रिजल्ट, फिर परसेंट पे सिंबल पे क्लिक कर दीजिए। अब आप लोग ये चीज को देखिए, मेरा ये पढ़ाने के तरीके को देखिए, कि अगर मैं इसी एग्जाम्पल को अगर यहां बताया तो आप लोगों ने इसको हल्के में लिया, बोला यार छोटी मोटी चीज है, इसको क्या करना है। लेकिन जब एक प्रॉब्लम पे आपको बताया, एक प्रॉब्लम को बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, मैनुअल एक एक करना, अगर 10,000 का डेटा है सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना बड़ी मुश्किल होगी, एक एक करेंगे या कोई परसेंटेज फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे फिर भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट यहाँ सिंगल क्लिक भी हो गया। अब एक तरीके से इस ऑप्शन के बारे में आपने जाना कि इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, और इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। राइट सर? राइट तो इसको आप एडवांस एक्सेल कह सकते हैं। अगर इससे भी संतुष्ट नहीं हुए हैं तो चलिए आपके लिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट। तो चलिए एक सैंपल डेटा लेते हैं, ये मेरे पास एक सैंपल डेटा है, हम इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं, और इसी को हम यहां से कॉपी कर लेते और यहां पे हम उसको पेस्ट करते हैं, और इसमें बहुत सारा डेटा है तो मैं इसको यहां से रिमूव मार देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, छोटा डेटा है। ठीक है, अब ये डेटा है, अब इस डेटा में क्या करना है देखिए, इस डेटा में क्या है कि मुझे दो दो का क्लब करना है, ये जो आईडी आपको दिख रहा है इसमें दो दो का क्लब करना है, जैसे दिल्ली सिटी में यहां सारा, यहां पे मैं स्टोर कर देता हूं, स्टोर दिल्ली नहीं, इसको करेंगे दिक्कत हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिए इसको, हट जाइए। बस समझिए कि मुझे इस डेटा में हर दो दो को क्लब करना है, एक दो दो के बाद हमें एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, इस ब्लैंक रो में मुझे यहां टोटल लिखना है, और फिर यहां इसको सम का फॉर्मूला लगाना है, और सम में इसको करना है, फिर वापस एक और यहां पे लगाना है, और इसमें मुझे लगाना है जीएसटी, जीएसटी, और यहां पे मुझे इसका 18% निकालना है, फिर वापस मुझे यहां पे जी टोटल देना है और इनको सम करना। ये मान लीजिए मुरी एक सिचुएशन, एक डिमांड है, हालांकि अननेसेसरी है, ऑफिस में इसी तरह काम बहुत कम आते हैं, बट हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, और एक काम आपको हर जगह पे करना है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो एक काम करते हैं हम जस्ट टोटल पे रखते हैं, कि हमें यहाँ टोटल, सिर्फ टोटल ऐड करना है, हर दो नंबर के बाद या पांच के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, और उसमें यहाँ टोटल लिखना है, और यहां पे इसमें सम का फॉर्मूला लगाना है। समझ गए? प्रॉब्लम समझ में आया आप लोगों को? हेलो निपुण जी, भानु प्रताप प्रकाश जी, एंड यस सर। अब इसको कैसे करें, मैनुअल करें एक एक करके, क्या आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ एक्चुअली निपुण जी, कोई आइडिया हाँ आपके पास? मेरे पास एक आइडिया था, लेकिन मतलब 2 रोज का तो नहीं है मेरे पास आइडिया, 1 1 रोज का है। अगर हमें हर एक रोज के बाद लेना है तो एक साइड में कॉलम में नंबर्स कर लेते हैं, उनका सीरीज डाल के जितना भी रो तक का डेटा मेरा है, और वीडियो देखा फिर था उसको आपने? क्या मेरी वीडियो देखी थी क्या आपने?
एक्चुअली मैं वीडियो पहले ही देखता था, बट ये मतलब काफी पुरानी वीडियोस है आपकी, तो दिया जहाँ पे बहुत मैंने ये पुराने, बहुत देखा था। पहले मैंने इसको किया था, बहुत पहले हाँ अचानक दिमाग में ध्यान आ गया था, सोचा कि चलिए बता देता हूँ। हाँ चलिए भानु प्रकाश जी, आपके पास कोई आइडिया है? इनके पास तो आइडिया है लेकिन एक एक रोग का है, लेकिन यहाँ 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। राइट। नो नो सर, आई डोंट हैव एन आइडिया। वेणुगोपाल जी आपके पास? लाइक वन रो का एग्जैक्टली। सो देखिए जो अमन राव का आइडिया है वही आइडिया है। आप यहाँ पे देखिए, सिर्फ इंसर्ट करने से नहीं होता है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। चलिए हम दो दो रो के बाद इंसर्ट करने का तरीका आपको बता देते हैं। हम क्या करते हैं कि दो दो रो के बाद ऐड करना है, 3 के बाद ऐड करना है, तो उस एक नंबर को उतना बार रिपीट कर दीजिए, फिर इक्वल करके पहले वाले जहां 1 है उस पर +1 कर दीजिए, 2 आ गया। अभी जो नीचे ड्रैग करेंगे तो हर नंबर 2 टाइम्स आ जाएगा, एवरी नंबर 2 टाइम्स आ गया। हमने क्या किया, हमने सिर्फ ऊपर वाले को ऐड किया, 1 1 लिखा, 2 बार 1 लिखा, और तीसरे रो पे हमने क्या किया, पहले वाले 1 में +1 कर दिया। तो जब नीचे ड्रैग करेंगे तो दूसरे वाले में 1 करेगा तो 2 आ गया, फिर 2 को +1 करेंगे फिर दूसरे वाले 2 को +1 करेगा, ऐसे हर नंबर आपको आ जाएगा 2 2 बार। फिर इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर दीजिए ताकि आपका नंबर फॉर्मूला जो है नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब यहां आपने देखा कि 70 तक है, अब नीचे जो है आप 70 तक नंबर सिंगल टाइम लिखो, ठीक है? 70 तक नंबर आप सिंगल टाइम लिखो। अब मैं क्या करूंगा, इसको शॉर्ट करूंगा, ठीक है? शॉर्ट करूंगा, तो शॉर्ट करने में क्या कि तीनों 1, अब क्या 1 इस कॉलम में 3 बार है, पहला दूसरे पे डेटा, तीसरा ब्लैंक। तो जो तीसरा वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि वो पूरी की पूरी रो लेके जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिर्फ 1 चल जाएगा, वो पूरी रो लेके जाएगा सीधे ऊपर। ओके, तो राइट राइट। यहां पे हम क्या करेंगे, कस्टम शॉर्ट में आते हैं। कस्टम शॉर्ट हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करते हैं। चलिए हमने रो ऐड कर दिया, अब आगे कैसे करेंगे, टोटल कैसे लिखेंगे? एक क्वेश्चन था यहाँ पे सुजीत जी। देखिए कभी कभी हमें मतलब ये होता है कि किसी डेटा के पर्टिकुलर पे ना, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे तो चलो हमारे पास सीरीज थी कि हमें एक स्पेसिफिक था कि हर दो रो के बाद या तीन के बाद होता है। कभी कभी डेटा ऐसा होता है कि कहीं पे दो रो के बाद रहता है, कहीं पे वो हम पांच रो बात के करेंगे, बाद। उस पर भी हम बात कर लेंगे, वो ओके अभी ओके ठीक फिलहाल, अभी फिलहाल फिक्स है। देखिए क्या है। स्टार्टिंग है, अगर कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में, राइट प्राइस राइट राइट। किए हुए है ना सर। सर क्या है कि स्टार्टिंग 2+2 से होगा ना, ए प्लस बी नहीं प्लस और स्क्वायर से ठीक थोड़ी होगा क्या। है। अब क्या करेंगे आगे, देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला है, अगर ये कुछ लिखना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम उसके लिए और नीचे जहां हमने ड्रैग किए थे जो नंबर डाले थे उसके हम टोटल लिख देते आ जाते, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मैं कंट्रोल जेड कर लिया। तो अगर कुछ जस्ट टोटल टोटलिंग लिखना है तो यहाँ पे मुझे टोटल यहाँ पे लिखना है, राइट? तो हमने यहाँ पे टोटल कर दिया, ठीक है, और इसी टोटल को हम यहाँ से रिपीट कर देते, राइट? अब हम सॉर्ट करेंगे तो ये आपका टोटल भी आएगा। यहाँ पे कस्टम शॉर्ट और यहाँ पे सीरियल नंबर का अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट कर दिया, टोटल आ गया सर। लेकिन राइट यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है ना, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्म नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे कि हम इस डेटा इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट? ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल के अंदर में होता है ब्लैंक, हम ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, देन यहां हम सम का फॉर्मूला लगा दें या ऊपर वाले को दोनों को प्लस कर दिए। करने के बाद हम यहां नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे, यहां मारेंगे कंट्रोल के साथ एंटर। होता क्या है कि किसी सिलेक्टेड एरिया में एरिया सिलेक्ट करने के बाद आप टाइप करते हैं तो नॉर्मल टाइप चलता है,
लेकिन जैसे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं वो कॉपी करके पूरे एरिया में वो पेस्ट कर देता है, राइट राइट समझ गए जी। तो सेम चीज यहां हुआ और एक ही बार में हमने सारे ब्लैंक पे टोटल लगा दिया, राइट राइट राइट। तो अब सॉर्टिंग तो आता था, लेकिन सॉर्टिंग से क्या ऐसा चीजें भी हो सकती है, ये चीजें आपको कोई वर्किंग प्रोफेशनल कराता है। अब जैसे कि आपने बोला कि दो दो रो तीन तीन रो हो सकते, तो एक कंडीशन तो होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके सामने डेटा है और मुझे क्वांटिटी का सब टोटल निकालना है, किसके अकॉर्डिंग मुझे लगा निकालना है, सिटी के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल कि जितने सिटीज है सारा सिटीज का नीचे टोटल दिखाता चला जाए, तो सबसे पहले हम सिटी के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट करें, शॉर्ट कर दिए। अब जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली रीजन इसकी काउंटिंग सेम नहीं हो सकती है, इसकी कम ज्यादा भी हो सकती है ना सर। राइट तो मैं चाहता हूं जैसे दिल्ली खत्म हुआ यहाँ पे सब टोटल। तो इस केस के लिए हमारे डेटा मेनू बार के अंदर में सब टोटल नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब आपको यहां पे देना है कि अरेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, तो मुझे सिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सम किसको करना है, सब टोटल किसको करना है, तो हमने बोला क्या करना है, सम करना है। किसको करना है, क्वांटिटी को करना है, राइट राइट राइट। ओके हो गया सर, हो गया एक ही क्लिक पे, राइट। ये तो फिक्स कंडीशन थी, ये तो यहां पे सिंपल था, लेकिन ये जो था कि नहीं हर दो के बाद करना है, एक फिक्स है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि सिटी चेंज होते हैं या कुछ चेंज होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज हम कर सकते थे। दूसरा ये जैसे सब टोटल लगा रहा है, मुझे अपने हिसाब से फॉर्मूला लगाना है, सब टोटल में इसे सब टोटल पे सम का फॉर्मूला लगा दिया, मुझे आप से कोई वीलुकअप वगैरह या कोई और फॉर्मूला लगाना है या और कैलकुलेशन करनी है, कैप रेट निकालना है वगैरह वगैरह जी, तो उसके लिए होता है। तो हर एंगल से हमें किसी भी सॉल्यूशन को हर एंगल से देखना होता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल आपको बताएगा कि प्रॉब्लम, आपने एक सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया, लेकिन उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कब आपको उसको आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, कब आपके लिए यूजफुल होगा। क्योंकि जो चीजें हैं कोई ट्रेनर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उसने रियल टाइम में इसको प्रॉब्लम फेस नहीं किया। एक प्रोफेशनल आपको बता सकता है, क्योंकि मैंने इसको अपने ऑफिशियल लाइफ में बहुत झेला है ऐसी प्रॉब्लम, इसलिए। तो आपने समझ लिया कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, किस लेवल का हम पढ़ाएंगे। बाकी और भी चीजें जाननी है तो यूट्यूब पे मेरे 5000 से ऊपर वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो कोर्स के डिटेल्स के लिए आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाना है, iptindia.com। मेरे दो तरह की कोर्सेज हैं, पहला है जो लाइव क्लास जो कि मेरे साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं जूम के जरिए, मैं खुद आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ऐसे आपको एक से तीन लोगों के साथ मंडे टू फ्राइडे हम या सैटरडे संडे में हम आपको पर्सनली चीजें सिखाएंगे। दूसरा जो आता है वो आता है वीडियो क्लासेस, जो आप मोबाइल एंड पीसी पे मेरी वीडियोस को देख के सीख सकते हैं। तो वीडियोस क्लासेस के लिए जो वीडियो क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो क्लासेस का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो खुल जाएगा, जहां पे आपको मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा सिस्टम की, जब में कर सकते हैं या फिर मेरा मोबाइल ऐप जो है ले सकते हैं ऐप यहाँ पे प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, ये iOS पे भी उपलब्ध है और इस पे भी उपलब्ध है। मेरे किसी भी वीडियोज को प्ले करेंगे तो उसके नीचे आपको मेरे ऐप का लिंक दी जाएगा, iOS का भी और Android का भी, बट Android पॉपुलर इंडिया में, तो मैंने आपको बताया कि एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च करेंगे तो मेरा ऐप मिल जाएगा। तो वीडियो क्लासेज है, वीडियो क्लासेज आप सिस्टम के थ्रू भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टोर में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोर्सेज वगैरह सारे हैं, इसकी सारी वीडियो, जैसे कि इस पे कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करेंगे, इसके कंटेंट में जाएंगे, यहाँ सारी वीडियो कोर्स वाइज होगी, फोल्डर होगा, इस फोल्डर के अंदर वापस आते हैं यहाँ पे
वीडियोज हो गए, अब यहाँ पे जैसे फाइल मेनू बार हो गया, फाइल मेनू बार की डिटेल्स, और इसमें जो जिप है ये आपका एक्सेल फाइल है, प्रैक्टिस फाइल है। जैसे यहाँ पे देखिए पेस्ट इस पे लेके प्रैक्टिस फाइल है, कंडीशन फॉर्मेटिंग की है, जहाँ पे प्रैक्टिस फाइल हमें रिक्वायर लग रहा है हमने प्रैक्टिस फाइल डाला है और कुछ और डल रहे हैं यहाँ से, तो एक वीडियो कोर्स में जा सकते हैं। बट वीडियो कोर्स सेल्फ लर्निंग है, इसको आपको खुद से सीखना है, सब कुछ खुद से करना है, तो इसको आप न करके आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो मेरी लाइव क्लासेस की आ जाएगी। जैसे कि मेरे पास आप लोगों के लिए दो कोर्स है, पहला एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। आपको अगर एक्सेल की फीचर्स ही सीखनी है, प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है, ऑटोमेशन में नहीं जाना है, डैशबोर्ड में नहीं जाना है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इस कोर्स पे जब क्लिक करेंगे तो मेरे पास इसके भी दो तरह के कोर्सेज हैं। एक हमारा है एक्सपर्ट लेवल क्लासेस जिसकी ड्यूरेशन 35 से 45 घंटे की है, और दूसरा है फास्ट ट्रैक क्लासेस जो 5 से 6 घंटे की है। अब फास्ट ट्रैक क्लास उनके लिए है जो पूरी की पूरी कोर्स नहीं करना चाहते, उनके पास कुछ सिलेक्टेड है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मुझे प्यूबर्टी करना है, कुछ बोलते हैं सर मुझे वीडियो कब है, ऐसे 20-25 फॉर्मुलेज है वो सिखा दीजिए, तो उन लोगों के लिए आपको एक कोर्स अवेलेबल है जो कि 5 से 6 घंटे की क्लासेज होगी। डेली 2 घंटे ले ले, 1 घंटे ले ले, या एक ही दिन में 6 घंटे ले ले, 2500 इसकी चार्जेस लगेगी। टॉपिक आप मेरे हिसाब से भी ले सकते हो या अपने हिसाब से डाल सकते। दूसरा हमारा आता है एक्सपर्ट लेवल क्लासेस। आप चाहते हैं कि सर मुझे आप अपने तरह बना दीजिए, तो आप मेरे अर्जुन बने, मैं आपका द्रोण बनूंगा, ठीक है? बस आप एक लव्य मत मांगिएगा, क्योंकि फिर अंगूठा लेकर करूंगा क्या, उसमें फायदा नहीं होगा ना, अंगूठा भी फायदा नहीं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस में 35 से 45 घंटे की, अब ड्यूरेशन ये एवरेज है, ये फिक्स नहीं है, हो सकता है 50, 60, 55 या हो सकता है कि 30-25, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना जल्दी इसको ले सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे या सैटरडे संडे 1.5 से 2 घंटे क्लासेस, ये जो 1 घंटा है ये भी एवरेज है, ये आपके भी ऑब्जर्वेशन पावर के अकॉर्डिंग में दूंगा मैं, आप जितना पढ़ेंगे ना उतना ही पढ़ाऊंगा। मुझे लगा कि आप ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हैं तो मैं स्लो हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइमिंग हमारे यहाँ बाउंडेशन नहीं है, हमें टॉपिक कवर करना है, समझ गए? जब आप ऑफिस में काम करें, अब आपका बॉस पीछे से देख के आपका काम देखे, आपके लगाए हुए फॉर्मूला को देखे, तो उसको रिलाई होना चाहिए कि हाँ सुजीत ने सिखाया है इसको, ओके? इसलिए आपको मैं उतना ही सिखाऊंगा जितना आप सीख पाए, क्योंकि सर क्लास लेने से नहीं ना होता है, उसको ऑब्जॉर्व करना, उसको यूटिलाइज करना, प्रैक्टिस करना, उससे होता है। टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि टॉपिक्स मोस्टली हाईलाइट्स है, टॉपिक्स की हम कवर करते हैं। इसमें आपको रिपोर्ट ऑटोमेशंस भी होते हैं, इसमें क्लास के वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ बुक्स, आर्टिकल एंड फ्री रीज्वाइन, मतलब कि 6-6 महीने साल भर बाद आपको ऐसा लगा कि आपने सीखा था सब भूल गया, आपने यूज नहीं किया, यू कैन कम एंड लर्न अगेन। उस समय आपसे हम कोई पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, बट अगर आप देना चाहें तो आपको मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी कौन मना करता है। तो यहाँ डाउनलोड पीडीएफ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो मेरी पूरी कोर्स की सिलेबस आपको यहाँ दिख जाएगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। इसमें आप अपने हिसाब से चीजें ऐड कर सकते हैं अगर वो एक्सेल से रिलेट करती है, तो मैं उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर सकूंगा। हो सकता है कि जो आपने ऐड किया वो मैंने यूज किया ही नहीं। अब बहुत सारे लोग क्या होता है कि इंजीनियरिंग फॉर्मूले लगा देते हैं, फाइनेंशियल फॉर्मूले लगा देते हैं, तो वो फॉर्मूले हमें नहीं आते, या फिर नॉट आते तो है बट आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी पीछे जैसे कि डिप्रिसिएशन है, अब डिप्रिसिएशन कई तरह से होती है ना सर, अगर आप अकाउंट जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जो डिप्रिसिएशन होता है वो कई एंगल से कई तरह से किया जाता है। मुझे पूरा मैथमेटिक पढ़ाना पड़ेगा राइट। तो वो चीजें भी हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ा,
राइट राइट ये चीज है, ये जो है ये आपके सिलेबस से। अब अगर आप चाहते कि नहीं नहीं मुझे कंप्लीट करना है ओवरऑल एमआईएस का पैकेज, तो ये आपके लिए आपका ए है जो पैकेज है, ये तकरीबन 100 से 120 घंटे का है, मतलब 4 महीने लेके चलिए ए आएगा। इसमें आपको कंप्लीट एक्सेल है, डैशबोर्ड डेटा एनालिसिस है, एक्सेस क्यूडी है, वीवीए है, इसमें कवर है। इसमें 6 कोर्स है कवर है, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, एमएस एक्सेल, सीक्वल, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट क्रिएशन। एक एमआईएस को जो चाहिए वो सब कुछ इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। एक्चुअली इसमें इसमें एक्चुअल का जो एसक्यूएल है उसका क्या बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे आप? बेसिक ही है बट क्यूडी है सर, क्यूडी लैंग्वेज। एसक्यूएल सर्वर का पूरा डिटेल नहीं है क्योंकि सर पहली बात एसक्यूएल सर्वर सबके पास होना मुश्किल है, दूसरा एसक्यूएल सर्वर बहुत बड़ी चीज है सर, वो पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में उसका बैक डेटा का काम करती है। नहीं एक्चुअली इसमें ये रहता है ना कि एसक्यूएल में जो फाइनेंस का जो काम रहता है वो मेनली ये रहता है कि आपको इसमें सारे क्यूरी कमांड सिखाएंगे, सिलेक्ट ओके 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 क्यूरी, सारे कंडीशंस, वेयर कमांड, यूनियंस, ये चीजें पढ़ाएंगे जो कि एक एमआईएस को डेटा पैच करने के लिए जरूरत है। राइट ओके, यही 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 पूछना था मेरे को। इससे ज्यादा अगर आप सीखना चाहें तो मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा सिखाने की, लेकिन वही चीज है बहुत बड़ी चीज है, जितना ज्यादा घुसेंगे उतना टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। हाँ आपको पूरा इस पे एक्सपर्ट बनना है तो इससे रिलेटेड हमारा एक अलग कोर्स है, वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 5 घंटा आपने दिया है तो 5 आपको इसमें ज्यादा देना है तो 5 जगह पे आपको 2 घंटा और पढ़ा दूंगा, 7 घंटा पढ़ा दूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए एक कोर्स अब टाइमिंग की बात कर लें, कोर्सेज तो मैंने समझा दिया, बाकी चीज डिटेल्स आप तो पीडीएफ में जाके देख ही लेंगे। अब इसकी बात करते हैं टाइमिंग की, कि टाइमिंग कौन कौन से चाहिए होगा। अब मेरे पास जो फिलहाल अवेलेबल टाइमिंग है हम बात कर लेते हो उसकी। अगर हम बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग की, तो अर्ली मॉर्निंग में मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है वो अवेलेबल है 6:30 का, 6:30 to 7:15 का टाइम अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं पहला। उसके बाद मेरा जो टाइमिंग अवेलेबल है 9:30 का अवेलेबल है, 9:30 to 10:15 का टाइम अवेलेबल, ये आप ले सकते। मॉर्निंग में 2 टाइमिंग अवेलेबल है, अगर आप आफ्टरनून में जाते हैं तो 1 PM का टाइम मेरे पास अवेलेबल है, वो ले सकते हैं आफ्टरनून। इवनिंग में आते हैं तो अर्ली इवनिंग में मेरे पास जो टाइमिंग अवेलेबल है, नहीं अर्ली इवनिंग में टाइमिंग नहीं है, लेट इवनिंग में मतलब कि 8 बजे का टाइम अवेलेबल है जो कि आप ले सकते हैं। तो कौन सा टाइम सूट कर रहा है आप लोगों को? एक्चुअली टाइम मेरे को जो सूट कर रहा है सुजीत, वो या तो अर्ली मॉर्निंग मतलब 6:30 पे और या फिर 8 PM। ओके, तो निपुण जी आप बोल रहे हैं कि आपको अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं आप, या तो आप हाँ बता दीजिएगा कौन सा आपको लेना है, ठीक है ठीक है। आपको सर भानु प्रकाश जी, सर आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, बोलिए। आई डोंट हैव मच नॉलेज इन हिंदी, इज देयर एनी पॉसिबल?